इबादत की अल्लाह के यहाँ कबूलियत की शर्त लाजिम है इखलास। इखलास नहीं है तो इबादत कबूल नहीं है। इखलास की जिद क्या है? रिया। रिया कहते हैं दिखावा, दिखाने के लिए काम करना। सुमा, सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए कि ये काम मैंने किया है ताकि लोग सुन लें, लोगों को मालूम हो जाए कि हम ये तो बहुत ही अल्लाह ताला के जो है बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। इसके जिम्मन में अब आप एक पहले हदीस सुन लीजिए, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की है और मिशकात के हवाले से, बाबुर रिया व सुबह मिशकात का जो है उसमें ये हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते मन सल्ला युराई फकत अशरका, वमन सामा युराई फकत अशरका, वमन तसद्दका युराई फकत अशरका। जो नमाज पढ़ता है दिखावे के लिए वो शिर्क कर चुका। ये कर चुका का तर्जुमा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि फेले मुजारे हो तो उसमें अंदेशा होता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा होता है नहीं होता है। कर चुका, कोई शक ही नहीं, वो इस शिर्क का इर्तिकाब कर चुका। ये जो अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन इट, ही हैज डन इट, ये वो है। कद अशरका, वो शिर्क कर चुका, शिर्क में मुलविस हो चुका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, वो शिर्क कर चुका, जिसने दिखावे के लिए सदका किया वो शिर्क कर चुका। ये है, नोट कीजिए, ये जब तक के ये इखलास फिल इबादत नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी को दिखाना ना हो। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको एक हदीस सुनाई थी कि हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और जब तुम ये महसूस करो कि कोई तुम्हें देख रहा है तो सजदा तवील कर दो तो ये शिर्क खफी है। आप नमाज पढ़ रहे थे अपने मगर, फर्ज कीजिए आपका सजदा जो है 10 सेकंड का था, लेकिन आपको महसूस हुआ कोई आपको देख रहा है, समवन इज वॉचिंग यू। अब आपने जो है वो सजदा 15 सेकंड का कर दिया, इस एक सजदे के दो मस्जूद हो गए। 10 सेकंड का सजदा तो आपने अल्लाह के लिए किया, ये बाकी 5 सेकंड का सजदा किसके लिए किया? जिसको आप दिखा रहे हैं वो आपका मस्जूद है। ये शिर्क, शिर्क खफी। इसलिए इब्तदा में जो मैंने कहा था कुछ शिर्क जली होते हैं, कुछ शिर्क खफी होते हैं। इस शिर्क को कौन देखेगा? ये तो आप खुद ही मुतनब्बे हो जाए तो हो जाए, इसको कोई और तो ना इसके ऊपर हुक्म लगा सकता है ना कोई फतवा लगा सकता है। और वो हदीस भी याद कीजिए जो मैं सुना चुका हूं शुरू में आपको, कि ये जो शिर्क है खफी, शिर्क खफी का पहचानना इतना मुश्किल है जितना किसी इंतहाई तारीक रात में स्याह पत्थर पर स्याह चींटी को चलते हुए देखना मुश्किल है, उतना ही शिर्क, ये शिर्क खफी का पहचानना मुश्किल है। रात तारीक अंधेरी रात और उसमें स्याह पत्थर के ऊपर स्याह जो है चींटी चल रही है, उसका देखना कितना मुश्किल होगा। इस हवाले से नोट कर दीजिए, कुरान मजीद में 3 मकामात पर यह बात वाज़े की गई है कि जो भी नेकियां, जो भी खैर के काम, जो भी इबादत खुदाबंदी के काम लोगों को दिखावे के लिए किए जाएं, तो उनकी मिसाल क्या है? सूरह इब्राहिम में फरमाया मसलुल लदीना कफरू बिरब्बिहिम आमालुहुम का रमादन इश्तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ। ये जो नेकियां लेकर आएंगे, रियाकारी वाली नेकियां और दिखावे वाली नेकियां और सुमा वाली नेकियां ढेर के ढेर होंगे, लेकिन उनकी मिसाल ऐसी होगी कि जैसे राख का एक ढेर हो और एक तेज हवा चले और उस पूरी राख को बखेर के रख दे, उसकी कोई हकीकत नहीं होगी अल्लाह के। सूरह नूर में फरमाया वल्लज़ीन कफरू अमालहुम का सराबिन बकियतिन यहसबुहु ज़मानु मा। जो लोग ईमान हकीकी से, हकीकी ईमान से महरूम है और नेकियों का काम कर रहे हैं, उनकी ये नेकियां जो है शराब के मानिंद है, जिन्हें प्यासा समझता है कि पानी है, हकीकत में पानी नहीं होता। कयामत के दिन आकर खुल जाएगा, कोई नेकी नहीं। सूरह फुरकान में फरमाया वा कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा
वो जो बड़े बड़े आमाल लेकर आएंगे, हम आएंगे और ठोकर लगाएंगे और उसको हवा में तहलील कर देंगे, इसलिए कि उन आमाल के पीछे इखलास नहीं होगा।